बिहार में पूर्व सांसद बाहुबली आनंद मोहन को सहरसा जेल से रिहा कर दिया गया है। 27 अप्रैल 2023 की सुबह आनंद मोहन को सहरसा जेल से रिहा कर दिया गया। आनंद मोहन समेत 27 अपराधियों को जेल से बाहर निकालने के लिए नीतीश कुमार की सरकार ने नियमों में भी बदलाव कर दिया। बता दें कि पहले आनंद मोहन को आज दोपहर बाद 1 बजे रिहा किया जाना था, लेकिन भीड़ के अंदेशे की वजह से उन्हें तय वक्त से पहले ही रिहा कर दिया गया। आनंद मोहन की रिहाई पर मौके पर उनके स्वागत के लिए सहरसा में पोस्टर लगाए गए। आनंद मोहन को सुबह 4:30 बजे जेल से रिहा कर दिया गया। और वहीं दूसरी तरफ माफिया मुख्तार अंसारी के ऊपर चल रहे गैंगस्टर मामले में आज फैसला आने वाला है। दरअसल मुख्तार के खिलाफ साल 2009 में हत्या की कोशिश और 2010 में कपिल देव सिंह नामक एक शख्स की हत्या मामले में गैंग चार्ट बनाया गया था। इसकी सुनवाई MP MLH कोर्ट में चल रही है और आज इस पर फैसला आने वाला है। गौरतलब है कि जहां एक तरफ बिहार में सियासी फायदे के लिए अपराधियों को जेल से बाहर निकाला जा रहा है, जबकि दूसरी तरफ अपराध को इंसाफ के अंजाम तक पहुंचाने की कवायद जारी है। बिहार की सहरसा जेल से आज बाहुबली आनंद मोहन को छोड़ा गया है। एक DM की हत्या के मामले में उम्र कैद की सजा काटने वाले आनंद मोहन के लिए नीतीश सरकार ने महीनों पहले से पल के पावड़े बिछा रखे हैं। तो वहीं रिहाई को लेकर पटना हाईकोर्ट में PIL दायर कर दी गई है। याचिका में आनंद मोहन की रिहाई का विरोध किया गया है। और वहीं दूसरी तरफ UP में आज माफिया मुख्तार अंसारी पर भी फैसला आना है। आगे की लेटेस्ट खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए स्पाइस न्यूज़ भारत।